गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा व्याकरण के अंतर्गत आज हम समास शुरू करने जा रहे हैं। समास सम उपसर्ग और अस धातु प्लस भय प्रत्यय के योग से समास बनता है। सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय के योग से समास बनता है। आपके व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि ने समास की डेफिनेशन संस्कृत में दी है, सम सनम समास। क्या कहा है उन्होंने? सम सनम समास अर्थात पदों के मेल को समास कहते हैं, जहां पर दो पदों का या दो से अधिक पदों का मेल होगा वहां पर हमारे समास होगा, और उस पद को अलग किया जाए तो वहां पर विग्रह उत्पन्न हो जाता है जिसे हम समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें, यहां आपके यहां दिया हुआ है यथा शक्ति। क्या दिया हुआ है? यथा शक्ति। तो इसका विग्रह करें हम तो ये हो जाएगा आपके शक्तिम अनति प्रमय। इसी तरीके से कृष्ण सर्वह, तो ये आएगा बेटा यहां कृष्ण सर्वह इति। तो ये जो पद मैंने लिखे हैं उदाहरण के तौर पे बेटा, जब इनको समास के भेदों को आप पढ़ेंगे तो अच्छे से इन उदाहरणों को और ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ध्यान दें आप, अब ये तो था समास की सम और अस और घय प्रत्यय के योग से समास बनता है। इसकी परिभाषा हमने लिखी पाणिनि जी के अनुसार, सम सनम समास अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण आपको लिखवाया। अब बारी आती है आपके समास के भेदों की। समास के भेद, समास के भेद फर्स्ट नंबर पर जो है आपके अव्ययी भाव समास, सेकेंड नंबर पर है आपके यहां तत्पुरुष समास, और तीसरे नंबर पे है आपके यहां बहुव्रीहि समास। और लास्ट फोर नंबर पे है आपके द्वंद्व समास। ठीक है बेटा, अब इसमें आपके जो है समास के भेद कितने होंगे? ये चार भेद होंगे। फर्स्ट अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, और थर्ड नंबर पे बहुव्रीहि समास, और फोर्थ नंबर पे द्वंद्व समास। आप बेटा ये ध्यान रखिए कि तत्पुरुष समास के दो भेद हो रहे हैं। फर्स्ट आपके है कर्मधारय, और आपके है द्विगु समास। ठीक, तो ये समास के भेद हो गए आपके। समास के चार भेद हैं, फर्स्ट अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड बहुव्रीहि समास, और फोर्थ द्वंद्व समास।
तत्पुरुष समास के यहाँ पर दो भेद बताए गए हैं, कर्मधारय और दीर्घ समास। अब बारी आती बेटा फर्स्ट नंबर के समास की, अव्ययीभाव समास। इसे पढ़ते हैं अपन, इसका पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ पर जो है पद आएंगे कि निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो आपको दिए हुए पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया यहाँ उपकृष्णम, या क्या उपकृष्णम, इस पद का समास विग्रह करके आना है। तो आप लिख करके आएंगे कृष्णस्य समीपे, ठीक है, और समास का नाम लिख देंगे आप अव्ययीभाव। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आंसर देख करके आना है। ये आप प्रत्येक समास की डिटेल पढ़ेंगे तो सारे के सारे उदाहरण क्लियर होते चले जाएंगे। अब बारी आती है बेटा आपके अव्ययीभाव समास की। नंबर फर्स्ट अव्ययी भाव समास, अब ध्यान दें आप, अव्ययी भाव समास जिस समास में क्या पहले प्रथम पद क्या होगा उपसर्ग या फिर अव्ययी, पहला पद क्या होगा, पहला पद उपसर्ग से संबंधित या अव्यय से संबंधित होगा, और सेकंड जो पद होगा आपके द्वितीय पद, ये आपके संज्ञा से संबंधित होगा। तो कहने का अर्थ ये है आपके इसमें क्या कहा कि जहां पर पहले पद की प्रधानता होती है वहां पर कौन सा समास होता है आपके अव्ययीभाव समास होता है। जहां प्रथम पद की प्रधानता हो वहां अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है बेटा, तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पहला पद हमेशा उपसर्ग या अव्यय से संबंधित मिलेगा और बाद वाला पद संज्ञा से संबंधित मिलेगा। इन दोनों से निचोड़ ये निकलता है कि यहां पर पहला पद प्रदान होता है वहां पर आपके अव्ययीभाव समास होता है। अब अव्यय कौन कौन से हैं जिनके पद आपके एग्जाम में दिए जाएंगे उन्हें आप देखें। यहां फर्स्ट नंबर पे है आपके यहाँ पर दिया हुआ है उप, क्या दिया हुआ है फर्स्ट, उदाहरण बता रहा हूं ये मैं आपको, फर्स्ट नंबर पे है आपके उप। तो उप उपसर्ग या अव्यय से संबंधित जो भी पद आपके विग्रह करने के लिए दिया जाए उसमें आप लोगों को ये सूत्र लगाना है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति प्लस समीप, ये लिखना बेटा आपको सूत्र है। उप यदि पद के शुरुआत में है तो आप षष्ठी विभक्ति संज्ञा पर लगाएंगे और जो उप दिया हुआ है उसका अर्थ पीछे पद के अंत में क्या लिखेंगे आप समीपे, जिस तरीके से अभी मैंने बताया था आपके उपकृष्णम। ध्यान दें आप, तो इसमें आगे आगे उप आ रहा है और पीछे कृष्णम, यानी आगे अव्यय या उपसर्ग से संबंधित पद है और दूसरा पद संज्ञा से संबंधित है। तो षष्ठी विभक्ति सूत्र के अनुसार लगाएंगे कृष्णस्य, क्या कृष्णस्य, ये षष्ठी विभक्ति होगी आपके, पीछे क्या जोड़ देंगे उप, उप का मतलब क्या है या समीपे, कृष्णस्य समीपे। इसी तरीके से उप रामम, तो क्या बन जाएगा बेटा राम की षष्ठी विभक्ति रामस्य समीपे,
इसी तरीके से आपके यहां उप सीता, तो सीता की तृतीय विभक्ति सीतया, सीतया, फिर उपकार समीप। ठीक है बेटा, तो ये आपके फर्स्ट उपसर्ग था उप, जिसमें षष्ठी विभक्ति प्लस समीप, ये सूत्र द्वारा आपने इन्हें निकाला, इन पदों का विग्रह किया। नेक्स्ट अव्यय आता है बेटा आपके निर, कौन सा आता है अगला, निर, निर अव्यय से बनने वाले पद निर, तो इसका सूत्र भी आप ध्यान दें, षष्ठी विभक्ति प्लस अभाव, क्या सूत्र है इसका भी, षष्ठी विभक्ति प्लस अभाव, ये सूत्र यूज करना है आपको इसमें। जैसे उदाहरण दिया निर्धनम, क्या दिया हुआ है, निर्धनम, निर और ये धनम, तो बेटा आगे तो उपसर्ग अव्यय है और पीछे संज्ञा है, तो संज्ञा की षष्ठी विभक्ति धनस्य, धनस्य और निर का मतलब अभाव, धनस्य अभाव, धन का अभाव जिसके पास होता है वो कौन होता है, निर्धन। इसी तरीके से निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम यानी मक्खियों का अभाव, तो किसकी षष्ठी विभक्ति बनाएंगे हम, मक्षिकम, तो इसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगी, तो मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव। इसी तरीके से निर्जनम, लोगों का अभाव, तो जना नाम अभाव। ठीक है बेटा, तो ये आज आपने दो अव्यय एवं दो उपसर्ग से संबंधित अव्यय पदों का विग्रह सीखा, नेक्स्ट अगले टर्म में। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।